नोएडा में 14 स्कूलों को बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से दे दिया गया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। नगर जिला प्रशासन को इन स्कूलों में खामियां मिली थी। ये स्कूल बिना किसी आधिकारिक मान्यता के चलाए जा रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने ताला लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS धर्मवीर सिंह की तरफ से पुष्टि भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अधिकतर स्कूल नोएडा से सटे गांव में चलाए जा रहे हैं, जिनको बंद किया जाएगा। सरकार की ओर से स्कूलों को लेकर हाल में सर्वे कराया गया था, जिसका मुख्य काम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पता करना था। कितने स्कूल इस अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इस बारे में सरकार जानकारी जुटा रही थी। स्कूल संचालन के लिए सरकार से मान्यता जरूरी है। आपको बता दें कि सर्वे में प्रशासन को 14 स्कूलों के बारे में जानकारी मिली जो गैर कानूनी मिले, जिसके बाद सरकार ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों में अवैध तौर पर कक्षाएं चलाई जा रही थी। अब जिला प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। विभाग के अफसरों की ओर से बताया जा रहा है कि इनमें से 7 स्कूल हरौला से चलाए जा रहे हैं, 4 स्कूल जलपुरा के शामिल किए गए हैं। वहीं शहादरा, छिजारसी और मंगरौली का 1-1 स्कूल इनमें शामिल है। इन स्कूलों में लगभग 150 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। अधिकारियों के कहने के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 2000 से अधिक स्कूल चल रहे हैं। ये स्कूल ICSE उत्तर प्रदेश बोर्ड या CBSE बोर्ड से संबद्ध है। विभाग की तरफ से 14 स्कूलों को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है।